क्वेश्चन नंबर टू में पार्ट नंबर सी हम ट्राई कर रहे हैं। इसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, जबकि ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसमें जो ये ए है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए ऑफ आर, ठीक है, क्योंकि इसमें ये आर क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो एरिया इज इन टर्म ऑफ आर। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें जो आर है इसको रिप्लेस करेंगे बाय आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर। इसी तरह से यहाँ पर ये आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये फार्मूले की मदद से कॉलें ए प्लस बी होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस टू आर इंटू डेल्टा आर, और पाई को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आर प्लस डेल्टा आर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई डेल्टा आर होल स्क्वायर प्लस टू पाई आर डेल्टा आर। ये हमने ए ऑफ आर प्लस डेल्टा आर मालूम किया। अब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करते हैं, जो कि डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा आर है। नाउ वी कैन फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू लिमिट, अच्छा इसमें लिमिट नहीं है, एफ ऑफ एफ, यहाँ पे एफ की जगह हमारे पास क्या है, ए ऑफ आर प्लस डेल्टा आर माइनस ए ऑफ आर डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, पुटिंग द वैल्यूज, जो वैल्यूज हमने मालूम किए हैं वो आप यहाँ पे पुट करें। डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू ए ऑफ आर प्लस डेल्टा आर, हमारे पास क्या है ये हमने यहाँ पे मालूम किया है, देखें पाई आर स्क्वायर माइनस पाई प्लस पाई इंटू डेल्टा आर होल स्क्वायर प्लस टू पाई आर डेल्टा आर, और माइनस ए ऑफ आर हमारे पास क्या है, वो पाई आर स्क्वायर है, माइनस पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। देखिए यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है ये माइनस पाई आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जितने भी टर्म्स हमारे पास रहेंगे इसमें डेल्टा आर मस्ट होगा। देखिए यहाँ पे ये पाई इंटू डेल्टा आर प्लस टू डेल्टा आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। अब यहाँ से डेल्टा आर को कॉमन करें, सो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू, जब डेल्टा आर यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे पाई, ये डेल्टा आर स्क्वायर है तो एक डेल्टा आर यहाँ पे रहेगा, और ये डेल्टा आर इससे कॉमन करें तो ये टू पाई आर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, डेल्टा आर एंड डेल्टा आर कैंसिल ईच अदर। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा आर इज पाई डेल्टा आर प्लस टू पाई आर। अब देखें हमारे पास जो यहाँ पे चेंजेस डेल्टा आर है वो क्या है, फ्राम आर इज इक्वल टू 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 आर इज इक्वल टू 2.5, तो डेल्टा आर क्या होगा 2.1 माइनस टू इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पे आप r की जगह पुट r इज इक्वल टू टू एंड डेल्टा r इज इक्वल टू 0.1 ये पुट करें। सो डेल्टा a डिवाइडेड बाय डेल्टा r इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे डेल्टा r की जगह 0.1 पुट करें, और प्लस 2 पाई यहाँ पे r की जगह 2 पुट करें, तो ये 0.1 पाई हो जाएगा और ये 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको प्लस भी कर सकते हैं, 4.1 पाई ये आपका हो गया रेट ऑफ चेंज, ठीक है।
इस क्वेश्चन में जो पार्ट बी है वो आपको ट्राई करें, और जो पार्ट डी है इसमें ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर वन में जो पार्ट डी है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन में जो पार्ट डी हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर टू में ये पार्ट डी भी सॉल्व कर सकते हैं।